हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को एक और तरीके से हम लोग बोलते हैं साइड बाय साइड कनेक्शन। इस कनेक्शन में क्या होता है कि चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी सेम, मतलब कि हर एक कैपेसिटर पर सेम होगा। फिर हम लोग क्या कहेंगे, हाँ यहाँ पर तो डिवाइड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग शो करना चाहें तो इस तरीके से होता है, और C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मान लो इसको हमने कहीं बैटरी से कनेक्ट भी किया तो क्या होगा कि यहाँ पर चार्ज हर एक प्लेट पर सेम होने वाला है, क्योंकि ध्यान दो अगर यहाँ पर प्लस क्यू हुआ तो यहाँ पर ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली माइनस क्यू आएगा। लेकिन ध्यान से अगर देखो तो ये प्लेट आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब कि इसका किसी भी अदर प्लेट से कोई कनेक्शन है नहीं। तो यहाँ माइनस क्यू, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपका प्लस क्यू आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू तो फिर यहाँ माइनस क्यू आएगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। और फिर से देखो तो ये प्लेट एंड ये प्लेट दोनों क्या है, आइसोलेटेड है, फिर से कहीं किसी से कनेक्शन है, मतलब कि यहाँ पर प्लस क्यू आएगा फिर से, और यहाँ पर प्लस क्यू तो यहाँ पर माइनस क्यू, ठीक है। तो आई बिलीव कि इट्स क्लियर कि व्हाई इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्जेज ऑन डिफरेंट प्लेट्स आर सेम, डिफरेंट चार्जेज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स आर सेम, ठीक है। हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में इसका, कि कैसे सी को हिंट निकलता है। तो अभी जैसा फिगर मैंने बनाया था मैं फिर से ले लेता हूँ। मान लो तीन कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्टेड है विथ पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये C1 है, C2 है, C3 है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है सपोज। तो हम लोग कुछ पोटेंशियल्स डिफाइन कर लेते हैं। V1 मान लो, V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2 C2, ठीक है। C1 के अक्रॉस V1 है, C2 के अक्रॉस V2 है, विच इज VV माइनस VC, एंड C3 के अक्रॉस V3 है, विच इज VC माइनस VD। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी की बात करेंगे तो भी इज नथिंग बट, ध्यान से देखो इसको सम कर दो तो आ जाएगा आपको, विच इज वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी ए माइनस वी डी, ओके। ये वी ए माइनस वी डी है, आप कन्फ्यूज नहीं होगा, ओके। अब अगर हमने बताया क्या कि सारे पर चार्ज सेम होंगे, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस,
प्लस माइनस। तो मान लो कि क्यू इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, वी वन इक्वल टू क्यू बाई सी वन, सिमिलरली वी कैन राइट वी टू इक्वल टू क्यू बाई सी टू एंड वी थ्री इक्वल टू क्यू बाई सी थ्री, ठीक है। ये क्लियर है सबको? तो वी नेट कितना होगा, विच इज वी, दैट इज इक्वल टू, अगर ऐड कर दे वी वन वी टू वी थ्री को तो आपको आ जाएगा क्यू वन बाई सी वन, वन बाई सी टू, वन बाई सी थ्री। तो इफ़ यू टेक सिंगल कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ थ्री कैपेसिटर्स अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी सी इक्विवेलेंट, तो इसके अक्रॉस हम क्या कहेंगे बताओ, फॉर सेम चार्ज क्यू, तो वी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। तो इसको इक्वेशन में वन देता हूँ, दिस इज योर इक्वेशन टू, अगर कंपेयर करो तो यहाँ से आ जाएगा क्या, वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सो दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू में जो स्मॉलर होगा उससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर केवल दो कैपेसिटर की बात करें तो क्या होगा बताओ, ये याद रखोगे सी इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, ठीक है। बहुत फ्रिक्वेंटली ये यूज होता है, इस चलते याद रखोगे। अगर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ले लो तब क्या होगा, ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर, अगर सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम रही, पैरेलल में है सॉरी सीरीज में है और सारे की कैपेसिटेंस सेम रही, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई एन, ठीक है। इफ ऑल सी वन सी टू सी थ्री ऑल आर इक्वल, तो दीज आर फ्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड टू नो। न्यूमेरिकल हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिस्कशन के बाद मिलेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो माइंड में रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑल कैपेसिटर्स विल बी कनेक्टेड बिटवीन सेम पोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। ऑल कैपेसिटर्स विल बी कनेक्टेड बिटवीन सेम पोटेंशियल पॉइंट,
इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सारे के क्रॉस सेम होगा बट चार्जेज अपीयरिंग ऑन द डिफरेंट प्लेट्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, चार्जेज अलग अलग होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, तो नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी क्या कहेंगे, जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पर जो चार्जेज होंगे उनका सम। ठीक है, तो लेट अस नाउ डिस्कस अहेड विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अगर कनेक्शन को शो करना रहे आपको तो कैसे दिखाओगे, दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो ये C1 है आपका, ये C2 है, C3 है, प्लस माइनस। सपोज इट इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो ऑफकोर्स भी पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस होंगे। All the three capacitors will have potential difference V only. But in this case charges on different plates of the capacitor will be different. मान लो कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज कुछ Q2 है और यहाँ पर चार्ज कुछ Q3 है। तो हम लोग बात करते हैं Q1 क्या लिखेंगे, C1 भी, Q2 होगा C2 भी एंड Q3 होगा C3 भी। तो यहाँ पर Q नेट कितना होगा बताओ, दैट इज इक्वल टू इनटू भी। तो अगर तीन कैपेसिटर ना लेकर के सिंगल कैपेसिटर लिया जाए तो उसके क्रॉस भी हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो हम लोग बोलेंगे क्यू नेट ही चार्ज उस पर है, तो दिस इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू भी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ठीक है, इसमें कंक्लूजन हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, फिर इसमें क्या कहेंगे, ध्यान दो जो चार्ज हुआ क्यू वन, हमने बोला क्या, सी वन भी, मतलब कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उस पर चार्ज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आई इज प्रोपोर्शनल टू सी आई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ध्यान से देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो था उसमें क्या था, सीरीज वाले में था कि भी इज इक्वल टू हम लोग बोलते क्यू बाई सी वन, भी वन इज इक्वल टू, तो हम लोग वहाँ पर कह सकते हैं कि भी आई इंडिविजुअल, आई फॉर इंडिविजुअल इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई सी आई।
तो वहाँ पर किसी अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उस केस में उस कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी। और यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उस कैपेसिटर पर चार्ज भी ज़्यादा होगा, जैसा कि हमने इक्वेशन से एक्सप्रेशन से देखा। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर को आप सीरीज में लगा दो पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर सारे का वैल्यू सेम रहा तो उस केस में सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एन इंटू सी। ठीक है, सो दीज आर योर फ्यू रिजल्ट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वी विल सी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।